क्रियाकलाप दो। प्याज को काटकर सफेद कागज पर रगड़ें। इस कागज के 3 टुकड़े करें। पहले टुकड़े पर 1 बूंद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तथा दूसरे टुकड़े पर 1 बूंद तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालें। पहले तथा दूसरे कागज के टुकड़े की गंध की तुलना तीसरे कागज के टुकड़े की गंध से करें। पहले तथा दूसरे कागज के टुकड़ों की गंध में क्या परिवर्तन हुआ? प्याज के अलावा भी कुछ और घ्राण सूचक हैं, जैसे वेनिला और लौंग का तेल इत्यादि। परीक्षण के लिए इनके तनु विलयन का उपयोग करना चाहिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में वेनिला अपनी गंध नहीं बदलता, परंतु तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसकी मधुर गंध गायब हो जाती है। यही क्रियाकलाप लौंग के तेल के साथ भी करें और अपना अवलोकन नोट करें। बच्चों, हमने अभी देखा कि प्राकृतिक सूचक और रासायनिक सूचक अपने रंगों में परिवर्तन कर पदार्थ की अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति की सूचना देते हैं। इसी प्रकार कुछ सूचक ऐसे भी होते हैं जिनके गंध में परिवर्तन होता है और वो अपने गंध में परिवर्तन कर पदार्थ की अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति की सूचना देते हैं, जैसे वेनिला और लौंग का तेल और प्याज। चलिए हम प्याज को लेकर यह देखते हैं कि वो पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति में किस प्रकार गंध में परिवर्तन द्वारा हमें उसकी सूचना देते हैं। तो इसके लिए देखिए, यहाँ मैंने कुछ प्याज के टुकड़े लिए हुए हैं और मेरे पास ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले हम एक सफ़ेद कागज के टुकड़े पर प्याज के टुकड़ों को अच्छे से रगड़ लेते हैं। इसे अच्छी तरह से रगड़ लीजिए। इसे प्याज सफ़ेद जो कागज का टुकड़ा है उसमें पूरी तरीके से रगड़ लिया। देखिए, अब इस टुकड़े से प्याज की गंध आ रही है। ठीक है, अब इस टुकड़े को हम 3 भाग में विभाजित कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है, इन 3 भागों में इस एक भाग पर हम एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल रहे हैं और इसे अच्छी तरह इसमें भी हम फैला लेते हैं। अब ये प्रक्रिया हम कागज का दूसरा टुकड़ा ले रहे हैं और इसमें हम डाल रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें। इसे भी अच्छी तरह से फैला लीजिए। चलिए, अब हम इनकी गंध लेकर देखते हैं कि क्या इनके गंध में कोई परिवर्तन हुआ है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये टुकड़ा जिसमें हमने अम्ल या क्षार नहीं डाला है, और साथ में ये टुकड़ा जिसमें हमने अम्ल डाला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने इसमें डाला हुआ है। इसकी गंध लेते हैं। ये तो प्याज की गंध आ रही है, इसमें भी मुझे प्याज की गंध आ रही है, यानी इसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चलिए, अब हम ये प्रक्रिया करते हैं इस टुकड़े के साथ जिसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था। इसे भी सूंघ कर देख लेते हैं। इसमें तो प्याज की गंध नहीं आ रही है, यानी कि हमने देखा कि जो प्याज है वो पदार्थ की अम्लीय प्रकृति की स्थिति में अपने गंध में कोई परिवर्तन नहीं करता, जबकि क्षारीय प्रकृति की स्थिति में उसकी गंध गायब हो जाती है। खुद बनाएं अपना सूचक। काला जामुन, कनेर का फूल, हल्दी, कचनार का फूल आदि में से किसी एक को सफेद कागज पर रगड़िए और उस पेपर का अम्ल क्षार पहचान सूचक के रूप में उपयोग कीजिए।